आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 19 जुलाई 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के ताजा ट्वीट ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में मामू का जाना तय है। दिग्विजय सिंह ने दो नेताओं के नाम भी बताए हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने दिग्विजय के ट्वीट पर पलटवार किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने सोमवार को एक ट्वीट जारी कर दो नेताओं के नाम बताए हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। सिंह ने कहा है कि अब मध्य प्रदेश भाजपा में मुख्यमंत्री के लिए केवल दो ही उम्मीदवार दौड़ में रह गए हैं, मोदी जी के उम्मीदवार प्रहलाद पटेल व संघ के उम्मीदवार वीडी शर्मा। बाकी उम्मीदवारों के प्रति मेरी सहानुभूति है, मामू का जाना तय है। गौरतलब है कि रविवार को दिग्विजय ने ट्वीट के जरिए कहा था कि मैं सोमवार को सूची जारी कर बताऊंगा कि कौन कौन उम्मीदवार हैं। वायदे के मुताबिक दिग्विजय ने सोमवार को ट्वीट के जरिए दो उम्मीदवारों के नाम बताए। मध्य प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं। हालांकि बीते दिन आए बादलों ने छिटपुट बारिश कराई है, जिसके चलते हवा में परिवर्तन हुआ है। रविवार तक मानसून की सामान्य बारिश के मामले में 32 जिले रेड जोन में पहुंच गए हैं। एकमात्र सिंगरौली में सामान्य से बेहतर बारिश हुई है। बुंदेलखंड के दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी में सूखे जैसी स्थिति है। यह सामान्य से 60% तक कम बारिश है। इस साल समय से पहले मानसून के आने और शुरुआत में अच्छी बारिश होने से 24 जून तक ने 6 जिलों में सामान्य से कम बारिश थी। भोपाल में सीजन में पहली बार बारिश का आंकड़ा सामान्य से नीचे चला गया। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसमें रीवा, दमोह, सागर, छतरपुर, बैतूल, रतलाम, आगर, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर और श्योपुर जिले शामिल हैं। विवादों में उलझा डायल 100 का 642 करोड़ रुपए का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। अब नए सिरे से प्रक्रिया शुरू होगी। टेंडर हासिल करने वाली छत्तीसगढ़ की कंपनी के दस्तावेज फर्जी होने की शिकायत हुई थी। हालांकि पुलिस की जांच में यह आरोप सही नहीं पाए गए थे। डायल 100 के खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए निकाला गया टेंडर पिछले दिनों निरस्त कर दिया गया। इस टेंडर प्रक्रिया में जीवीके, ईएमआरआई और अशोका बिल्डिकॉन कंपनी ने हिस्सा लिया था। अशोका बिल्डिकॉन ने एबीपी ट्रेवल्स एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट के साथ संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। इसमें एबीपी के अनुभव के प्रमाण पत्र लगाए गए और इसी आधार पर ठेका मिला। इस पर जीवीके ने शिकायत की कि अशोका बिल्डकॉन ने गलत दस्तावेज लगाकर टेंडर हासिल किया है। पुलिस जांच में यह शिकायत सही नहीं पाई गई। जानकारी के अनुसार जीवीके की टेंडर राशि 692 तो अशोका बिल्डकॉन की टेंडर राशि 642 करोड़ रुपये थी। डिंडोरी में उच्च शिक्षा मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने पहुंचे डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद विधायक मरकाम बीच रोड पर बैठकर धरना देने लगे। उसके बाद पुलिस वालों ने ओमकार सिंह मरकाम को उठाकर किनारे कर दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम का कहना है कि उन्होंने कलेक्टर समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों से मंत्री मोहन यादव से मिलने का अनुरोध किया था। कलेक्टर रत्नाकर झा ने उन्हें कलेक्ट्रेट में आकर मिलने की बात कही थी। ओमकार सिंह मरकाम ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस वालों ने मुझे जबरन उठाकर फेंक दिया। मैं जनता द्वारा चुना गया एक विधायक हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्य या किसी भी कार्यक्रम की जानकारी तो मिलना ही चाहिए। नगर के अवंतीबाई चौक में भी मैं आधा घंटा तक प्रभारी मंत्री का इंतजार करता रहा, लेकिन वहां भी मेरी मुलाकात प्रभारी मंत्री से नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री पहले मुझे जिले के विकास की रणनीति बताएं और इस पर मुझे चर्चा करें।
इस पर मुझसे चर्चा करें। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को दिग्विजय सिंह के भाई एवं चाचौड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह की पर्यावरण पर लिखी किताब का विमोचन किया। इस अवसर पर कमलनाथ ने चुटकी लेते हुए कहा कि यदि यह किताब दिग्विजय सिंह पर लिखी होती तो सबसे ज्यादा बिकती। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मेरा पसंदीदा विषय है, मैं खुद पर्यावरण मंत्री रह चुका हूँ इसलिए इसकी अहमियत जानता हूँ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते अल्प समय में ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर योजनाएं बनाई थी, अगली बार सरकार आने पर इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। कमलनाथ के निवास पर हुए सादे कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बक्सवाहा में जंगल की कटाई हो रही है, पर्यावरण के नजरिए से यह चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने यह जानकारी निकाली थी कि प्रदेश में कितनी नदियां और तालाब सूख गए हैं, इन्हें फिर से जीवित करने की जरूरत है। दिग्विजय ने कहा कि अगली बार सरकार आने पर इस पर गंभीरता से काम किया जाएगा। श्रावण मास की शुरुआत 25 जुलाई से हो जाएगी। ये 6 माह भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना के लिए जाना जाता है। इसे लेकर शहर के शिवालयों में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। जानकारी के अनुसार श्रावण मास के पहले सोमवार को लेकर राजधानी के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार भक्त गण दूर से ही भगवान के दर्शन कर सकेंगे। मंदिरों में शिव पूजा व अभिषेक होंगे जिन्हें पुजारी ही संपन्न करेंगे, तो वहीं इस बार राजधानी में होने वाली सामूहिक शिवलिंग निर्माण नहीं किए जाएंगे, भक्त अपने घरों पर ही शिवलिंग बना सकेंगे। छिंदवाड़ा से लगे नेशनल हाईवे बैतूल रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बदनूर के पास 2 वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई है। इस हादसे में 15 मजदूर घायल हुए हैं, इनमें 7 मजदूरों की हालत नाजुक है। घायलों को इलाज के लिए छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी अनुसार रविवार देर शाम को छिंदवाड़ा बैतूल हाईवे रोड पर पिकअप वाहन और जीप के बीच आमने सामने से भिड़ंत हो गई थी। इस हादसे में पिकअप में सवार 15 मजदूर घायल हो गए हैं। पिकअप वाहन नीम कुही गाँव से मजदूरों को लेकर मोड़ डोंगरी जा रहा था। इस दौरान बदनूर गांव के पास यह हादसा हुआ। घटना की सूचना लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मॉडल स्कूल भोपाल की वार्षिक पत्रिका प्रस्तुति 2020-21 का आज निवास पर विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त मॉडल स्कूल के विद्यार्थी कार्तिक शर्मा, कुमारी हर्षिता मकवाना, रजनीश सिंगरौले, वीरू राजा राजपूत और कुमारी इल्मा खान को चेक भेंट कर सम्मानित भी किया। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 19 जुलाई 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 20 जुलाई 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के YouTube को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में YouTube टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर YouTube का ऐप है तो YouTube खोल लीजिए। YouTube खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे, ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप खोल, जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े,
ये देखिए, आप लाइव लॉग इन हो जाएंगे यहाँ किनारे में, आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए, यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट, सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।